नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आपको अपडेट देने जा रहे हैं वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो ये फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए आपका सिलेक्शन ट्रायल का डेट निकाल दिया गया है। तो आपका रांची यूनिवर्सिटी का टूर्नामेंट कब होगा, कैसे सिलेक्शन होगा, सारा प्रोसीड्योर बताने जा रहे हैं। आप अंत तक वीडियो पे बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे जो पहले बार आए हैं, क्योंकि हर तरह का अपडेट मैं आपको इसमें देते रहता हूं। तो ये मैं बात कर रहा हूं, ये है आपका मारवाड़ी कॉलेज रांची से रिलेटेड। तो मारवाड़ी कॉलेज रांची मेंस से रिलेटेड, वुमेन्स नहीं, मतलब कि गर्ल्स के लिए नहीं, ये बॉयज़ के लिए अभी नोटिस निकला है। तो ये आपका फुटबॉल टूर्नामेंट होने जा रहा है। ये फुटबॉल टूर्नामेंट जो है ये होगा आपका केओ कॉलेज गुमला में। ये कब से कब तक, 14 से लेकर के 18 सितंबर 2023 में होने वाला है आपका। और ये कौन सा होगा, ये आपका होगा आर यू इंटर कॉलेज मेन्स फुटबॉल टूर्नामेंट होगा, मतलब कि आपका कॉलेज इंटर कॉलेज के बीच में खेला जाएगा, जैसे मारवाड़ी कॉलेज जोरंडा कॉलेज उसके बीच में खेला जाएगा। तो उसके लिए मारवाड़ी कॉलेज का टीम बन रहा है। तो उस टीम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर आप फुटबॉल खेलते हैं, आप फुटबॉल लवर हैं और आप फुटबॉल में आगे अपना बढ़ना चाहते हैं, तो आपका सिलेक्शन हो रहा है। सिलेक्शन का डेट कब रखा गया है, वो है 8 से लेकर के 10 सितंबर रखा गया है। 8 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आपको कहाँ पर जाना है, ये आपको कॉलेज में नहीं, कॉलेज के जस्ट बगल में, मतलब कि आपका जो रांची यूनिवर्सिटी का जो चौक है, जिसको हम लोग शहीद चौक भी कहते हैं, वहाँ से आपका अंदर जा करके जिला ग्राउंड है, जिला स्कूल ग्राउंड है, जिला स्कूल ग्राउंड में आपको जाना है 8 से 10 तारीख तक। 10 बजे वहाँ पर सब रिपोर्ट करेंगे, वहाँ पर स्कूल के जितने भी प्रतिनिधित्व होंगे वो वहाँ पर पहुँचेंगे, सिलेक्शन ट्रायल में जो आए होंगे वो पहुँचेंगे, स्पोर्ट्स इंचार्ज होंगे वहाँ पर, और इसके बेसिस पे आपका वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेके क्या क्या जाना है कि आप मारवाड़ी कॉलेज के हैं कैसे पता चलेगा, उसके लिए लेकर के आपको आईडी कार्ड लेकर के जाना है, एडमिशन स्लिप लेकर के जाना है। जिनका आईडी कार्ड नहीं है वो एडमिशन स्लिप भी लेकर के जाएंगे, लेकिन जिनका आईडी कार्ड है वो भी एडमिशन स्लिप लेकर के जाना है, मतलब रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपका है उसको आपको लेकर के जाना होगा। रजिस्ट्रेशन स्लिप, आईडी कार्ड, मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। मैट्रिक और इंटर का सर्टिफिकेट लेकर के जाएंगे। जिनका सिलेक्शन यहाँ पर होगा उनका प्रैक्टिस रेगुलर चलेगा, उसके बाद में जो है आपको केओ कॉलेज गुमला भेजा जाएगा 14 से लेकर के 18 सितंबर के बीच में। केओ कॉलेज गुमला में आपका इंटर कॉलेज होगा। अगर वहाँ पर आप फर्स्ट लाते हैं, अगर वहाँ पर आप जीतते हैं, तो वहाँ से सीधा आप जोनल लेवल पे जाएंगे, जोनल लेवल पे जाएंगे, इंटर यूनिवर्सिटी जोनल लेवल, इंटर जोनल, जोनल में अगर जीतते हैं फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड भी करते हैं, तो वहाँ से फिर आप डायरेक्टली नेशनल लेवल के लिए क्वालिफाइड होंगे इंटर यूनिवर्सिटी। तो बहुत बड़ा ही अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स लवर हैं, फुटबॉल का आ चुका है, फुटबॉल में आप रुचि रखते हैं, तो आप अपना सिलेक्शन ट्रायल जरूर दीजिए, जाकर के आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। ऑल द बेस्ट सभी को। और इसके साथ साथ में जितने भी तरह का अपडेट आएगा मैं अपडेट करता रहूँगा, चैनल पर बने रहेंगे और वीडियो को शेयर कीजिए, जितने भी आपके फुटबॉल लवर है उसके पास जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।